वेल एलीट सीजन 5 रिलीज हो चुका है। वेल सीरीज स्टार्ट होते ही हमें पूल में एक बॉडी दिखाई देती है जिसके चारों तरफ खून फैला हुआ है और सैमुअल पुलिस स्टेशन में एक मर्डर कन्फेस करता है। पूरी सीरीज की स्टोरी इन्हीं इवेंट्स के थ्रू घूमती रहती है, तो आज मैं इसी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा। तो वेल हेलो गाइज, वेलकम टू द एंटरटेनमेंट वर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 4 के इवेंट्स के बाद लास एंसिनस का न्यू स्टडी ईयर स्टार्ट होता है। बेंजामिन कॉलेज में कुछ न्यू स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करता है स्टूडेंट्स की हरकत को रोकने के लिए। फिलिप कॉलेज में अकेला हो जाता है क्योंकि उसके डार्क पास्ट के बारे में सबको पता चल जाता है और लोग उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आइवन की एंट्री होती है जो एक फेमस फुटबॉलर का बेटा है, और इमीडिएटली इवान की फ्रेंडशिप पैट्रिक से हो जाती है। इनिशियली इवान पैट्रिक को बताता है कि वो स्ट्रेट है। इसाडोरा जो फिलिप को लाइक करती है और वो उसे पाने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ कायटाना फिलिप की हेल्प करना चाहती है ताकि वो अपने पास्ट को भूल के एक बेहतर इंसान बन सके, बट फिलिप इसाडोरा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। रेबे और मेंशिया की रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रेस्ड रहती है क्योंकि मेंसिया अपने फादर यानी बेंजामिन से अपने रिलेशनशिप सही करना चाहती है। बेंजामिन लेक क्लब पे एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इवान आरी से वहीं पे मिलता है और दे हुकअप, बट पैट्रिक ये सब देख लेता है जिसके बाद पैट्रिक इवान के डैड के साथ हुकअप कर लेता है। ओमार रेस्टोरेंट के बाहर लेक साइड पे रहता है, तभी लेक में उसे एक बॉडी फ्लोट होती ही दिखाई देती है। ओमार रियलाइज करता है कि वो आर्मांडो की बॉडी है, जिसके बाद वो सैम और रेबे को वहाँ पे बुलाता है। सैम उमार को सारा सच बता देता है कि कैसे इन सब के लिए गुजमैन रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बाद उमार के कहने पे सैम पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आने पे बेंजामिन प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है क्योंकि उसी के पास मोटिव था आर्मांडो को मारने के लिए, बट बेंजामिन सैम को मर्डर कन्फेस करने को कन्विंस कर लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे बचा लेगा और उसे एक ब्राइट फ्यूचर दिलवाएगा, जिसके बाद सैमुअल मर्डर कन्फेस कर लेता है। और यहीं हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 में जो बॉडी पूल में फ्लोट कर रही थी वो सैमुअल की ही है। सैमुअल मर्डर तो कन्फेस कर लेता है बट बेंजामिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। डिटेक्टिव सैमुअल को बताता है कि बेंजामिन और आर्मांडो दोनों एक साथ ही काम करते थे। दोनों मिलके कॉलेज ऐप के थ्रू स्टूडेंट्स का डेटा चोरी करते थे और उन्हें मिलके बेचते थे। डिटेक्टिव सैमुअल को बोलता है कि अगर वो उसके साथ मिलके बेंजामिन के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करने में उसकी हेल्प करेगा तो ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। आर्मांडो ने मेंसिया को जो फ़ोन दिया था, मेंसिया को उसमें एक सिम मिलती है जिसमें वो सारा डेटा रहता है बेंजामिन और आर्मांडो का। रेबे और उमार सैम की हेल्प करते हैं वो डेटा पाने के लिए। रेबे मेंसिया से वो सिम ले लेती है और उसे सैम को दे देती है। सैम वो सिम लेकर के पुलिस स्टेशन जाने ही वाला रहता है, बट बेंजामिन उसे एक लास्ट बार उससे मिलने के लिए कन्विंस कर लेता है। सैम बेंजामिन से मिलने जाता है जहां बेंजामिन उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सिम पुलिस को ना दे, जिसके लिए वापस बेंजामिन सैम को एक ब्राइट फ्यूचर देने का लालच देता है, बट इस बार सैम बेंजामिन की बातों में नहीं आता है, जिसके बाद बेंजामिन सैम से वो सिम छीनने की कोशिश करता है और उसी छीना झपटी में सैम गिर जाता है और उसका सर पूल की दीवार से लगता है, जिससे सैम का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। तभी पैट्रिक वहाँ पे आ जाता है। बेंजामिन पैट्रिक को कन्विंस कर लेता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था और पैट्रिक को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, बट मौका मिलते ही पैट्रिक आरी को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिसके बाद आरी, मेंसिया, रेबे और उमार वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी सैम को होश आ जाता है और वो सबको सच बता देता है। सैम की कंडीशन देख करके मेंसिया पुलिस को कॉल कर देती है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से सैम वापस गिर जाता है। रेबे और उमार उसको उठाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं उठता है। मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ डेड। इवान के फादर उससे पैट्रिक के बारे में बात करते हैं और सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं, जिसके बाद इवान और पैट्रिक एक साथ आ जाते हैं। यहाँ क्लियर नहीं दिखाया गया है कि सैम इज़ डेड और नॉट। बेंजामिन को तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है बट कोई भी एम्बुलेंस या सैम की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई है और सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। तो दैट्स ऑल गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।